हे गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और वापस से आज के इस वीडियो को मैं कैब से स्टार्ट कर रहा हूँ, कल वाले वीडियो की तरह। बाय द वे अभी मैं जा रहा हूँ एक मीटिंग में, और वो मीटिंग को कंप्लीट वगैरह करके उसके बाद मेरा कुछ प्लान है, तो जैसा भी होता है मैं मीटिंग वगैरह कम्प्लीट करने के बाद आप लोग को अपडेट देता हूँ। फाइनली मैंने अपना मीटिंग वगैरह कंप्लीट करके अभी मैं आ गया हूँ एक्रोपोलिस मॉल, और जिस चीज़ के लिए मैं आया हुआ था अभी वहाँ का मुझे बुकिंग नहीं मिला है, तो मुझे एक दो घंटे वेट करना पड़ेगा। तो अभी मैं आ गया हूँ बर्गर किंग, और बर्गर किंग का वही मम्मी भी है साथ में बाय द वे, तो मम्मी को वो राइस बाउल ट्राई करना था बर्गर किंग का, जो मैंने ऑलरेडी रिव्यू कर दिया है। अगर अभी तक आप लोग नहीं देखे हो तो जाके देख लो। तो मैंने ऑर्डर कर दिया है बर्गर किंग राइस बाउल, साथ में दो रैप और उसके साथ फ्लोट मिरिंडा। तो जब आता है तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो ये आ गया मेरा राइस बाउल, और सबसे पहले मैं यहाँ का बिल दिखा देता हूँ कि मैंने क्या क्या ऑर्डर किया है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 2 creamy rice bowl 149 जो ऑफर चल रहा है, जैसे कि मैंने बताया था 149 में यहाँ पे 2 rice bowl के साथ मैंने ऑर्डर किया है। यहाँ पे 2 veg wrap 489, मतलब 89 में 2 crispy veg wrap मैं खोल के दिखाऊंगा। और उन्होंने कहा कि आप चीज स्लाइस ऐड करवाना है, तो 20 rupees का चीज स्लाइस ऐड करवाया मैंने, साथ में एक मिरिंडा फ्लॉट ये वाला, और टोटल मेरा यहाँ पे हुआ देख लो 332। तो अब मैं इन सबको खोल के दिखाता हूँ। एंड जिस वीडियो में मैंने इसका रिव्यू करा था उसमें मैंने कहा भी था कि स्टोर में जाके ट्राई करने में अलग ही मज़ा आएगा, तो फाइनली मैं आ गया स्टोर में ट्राई करने के लिए। और ये दोनों राइस बाउल है, जैसा कि मैंने बताया कि सिर्फ वेज वाले में ऑफर है 149 में 2, एंड ये मिरिंडा फ्लॉट 39 rupees ऐड करवाओगे तो ये ऐड हो जाएगा, साथ में ये क्रिस्पी वेज रैप जिसमें मैंने चीज़ स्लाइस भी ऐड करवाया है। एंड ये देखो भाई कमाल का लग रहा है वैसे, तो ये देख लो इस क्रिस्पी वेज रैप को, इसके अंदर कोई मिक्स वेज पेटी है, साथ में ये कुछ तो मेयोनीज और साथ में चीज स्लाइस, काफी कमाल का लग रहा है वैसे। तो ओवरऑल यही है हम लोगों का आज का ब्रेकफास्ट आप बोल सकते हो इसको। और एक बात मैंने बिल्कुल सही कहा था, इसको गरम ट्राई करने का मज़ा ही कुछ अलग है, बहुत ही टेस्टी लग रहा है ये। तो हम लोगों ने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है कंप्लीट, अभी हम लोग का जो बुकिंग है बारबेक्यू नेशन का वो 3 बजे का मिला है, तो थोड़ा देर यहाँ पे रेस्ट करेंगे क्योंकि अभी काफ़ी टाइम है, अभी 12 ही बजा हुआ है। थोड़ा मॉल वगैरह घूम के कुछ शॉपिंग भी करना है, वो सब कंप्लीट करके एक ही बार मैं जाता हूँ बारबेक्यू नेशन। ऑलराइट, तो मैं अभी एक्रोपोलिस मॉल से निकल गया हूँ, जा रहा हूँ लेक मॉल बारबेक्यू नेशन। बाय द वे मैंने अपना बुकिंग पहले ही कर लिया है, कुछ करना नहीं है, सिंपल सा है। मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था कि अगर आपको बुकिंग करना है तो बारबेक्यू नेशन का ऐप डाउनलोड कर लो, उसके बाद अपना टाइम के अकॉर्डिंग और लोकेशन देख लो कि आपका कौन से लोकेशन पे है वो। लाइक मैं कोलकाता में रहता हूँ तो मैंने कोलकाता किया, और कोलकाता में जितना भी बारबेक्यू नेशन है सब कुछ आ जाएगा लाइन से। उसके बाद आप अपना कोई एक टाइम चूज कर लो, तो मैंने 3 बजे का किया है, और हम 2 लोग हैं तो मैंने एक नॉन वेज और एक वेज कराया। और बाय द वे ये जो मेरा वीडियो है, ये बारबेक्यू नेशन वाला वीडियो, ये प्योर वेज पे होने वाला है, क्योंकि लास्ट वाले वीडियो में काफी सारे डाउट थे काफी लोगों का, वो मैं इसमें डाउट क्लियर करने वाला हूँ। अंदर आप कितने देर तक बैठ सकते हो, और सबसे बड़ी पर पर्सन कितना पड़ रहा है, जबकि मैंने लास्ट वीडियो में सब कुछ बताया था, फिर भी आप में से काफी लोगों के मन में डाउट था। और ये भी दिखाऊंगा कि अगर आप वेजिटेरियन हो और वहां पे जाते हो तो आपके लिए क्या क्या ऑप्शन है। फिलहाल अभी मैं जाता हूं और वहां जाके बाकी का मैं बात करता हूं। ऑलराइट, तो फाइनली मैं बारबेक्यू नेशन के अंदर आ गया हूँ, और काफ़ी क्राउड है आज, आपको आसपास के साउंड से पता चल रहा होगा बहुत ज़्यादा क्राउड है। वैसे मैंने अपने लिए वेजिटेरियन ही मैं चूज़ करा था, तो देखो वेज में क्या क्या आता है, मैं सब कुछ दिखाऊंगा, और मे भी हो सके तो आपको थोड़ा वॉइस ओवर देखने मिलेगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा साउंड भी है और बैकग्राउंड में बॉलीवुड म्यूजिक भी बज रहा है, तो कॉपीराइट का खतरा है थोड़ा। अगर कुछ भी आता है तो मैं दिखाता हूँ, तब तक आप लोग एक काम करो, अंदर का कुछ मैं शॉर्ट्स वगैरह दिखा रहा हूँ उसको इन्जॉय करो। तो आप
लोगों का सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि पर पर्सन कितना प्राइस देना पड़ेगा यहाँ पे एक टेबल को रिजर्व करने के लिए। तो मैं बता दूँ आज का जो रेट है 649 वेज या नॉन वेज कुछ भी लो तो आप 649 पर पर्सन, तो हम लोग दो लोग हैं तो ऑलमोस्ट 1400-1500 रुपए लगेगा इसके लिए, टैक्स वगैरह भी इंक्लूड होगा। और बाकी का जब मेरा लाइव ग्रिल आता है तब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो यहाँ मेरा ग्रिल आ चुका है, अब जब कबाब सब आता है तो मैं दिखाता हूँ। तो सबसे पहले वेज में मेरा यहाँ पे क्रिस्पी कॉर्न आ चुका है। चाहे वो बारबेक्यू नेशन हो या फिर एब्सोल्यूट बारबेक्यू हो, मुझे इन दोनों का एक क्रिस्पी कॉर्न मुझे बहुत ही पसंद है। पता नहीं कैसे बनाते हैं, मुझे अगर रेसिपी दे देता तो मैं घर में बना के खाता, बहुत ही कमाल का लगता है। तो ये आ गया मेरा सेकंड स्टार्टर, कैजन स्पाइस पोटेटो, अमेरिकन पोटेटो भी आप बोल सकते हो इसको। तो ये ग्रिल में आप लोग देख लो, यहाँ पे पनीर आ गया, मशरूम आ गया, ये पाइनएप्पल, ये अंगूरी गुलाब जामुन, मतलब जो गुलाब जामुन होता है ना उसको फ्राई करके और इसको ग्रिल कर दिया गया है। तो यार काफी सारे ऑप्शन है और ये स्पेशल है बाय द वे, आज के डेट में ये स्पेशल है। और इसको मैं फटाफट खाता हूँ वरना काफी जल्द जाएगा। तो ये मैंने अपने प्लेट में निकाल लिया है, यहाँ पे ये रहा पनीर और ये अंगूरी गुलाब जामुन, मशरूम और पाइनएप्पल मैंने एक ही लिया है ग्रिल पाइनएप्पल, और ये कैजुन स्पाइस अमेरिकन पोटैटो, और ये मेरा फेवरेट क्रिस्पी कॉर्न। इन सबको मैं टेस्ट करता हूँ, बताता हूँ कि इन सबका मुझे टेस्ट कैसा लगा। और यहाँ पे ग्रीन चटनी भी है। और ये क्या आ गया, वेज पीनट कबाब, वेज पीनट। तो ये एक और आ गया मेरे वेज में, वेज पीनट कबाब। तो सबसे पहले इस पनीर को करता हूँ टेस्ट। पनीर तो काफी फ्रेश है और साथ में काफी अच्छा सा खट्टा सा फ्लेवर आ रहा है। अब इस ग्रिल गुलाब जामुन को करता हूँ टेस्ट। काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ रहा है इसमें से, एकदम स्वीट सा फ्लेवर आ रहा है, और ऊपर वाला जो पार्ट सब है ना, जो हल्का हल्का जला हुआ पार्ट सब है, काफ़ी कमाल का टेस्ट आ रहा है इसमें से। तो वेज में भी मुझे अभी तक काफ़ी सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। और अगर मैं बात करूँ इस मशरूम का, मशरूम भी काफ़ी फ्रेश है लेकिन टेस्ट मुझे ओके ओके लगा। वैसे मैं बता दूँ ये जो कैजुन स्पाइस अमेरिकन पोटैटो है ये मेरे को काफ़ी पसंद है यहाँ का। आज वाला का फ्लेवर काफ़ी फीका फीका लग रहा है। अब करता हूँ टेस्ट इस ग्रिल पाइनएप्पल को। इससे ज़्यादा जूसी पाइनएप्पल मैंने इससे पहले नहीं खाया, कमाल का। अब इस पीनट कबाब को करता हूँ मैं टेस्ट। नहीं नहीं नहीं, इसका टेस्ट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं जमा मुझे। अब ठंडा होने से पहले मैं जल्दी जल्दी खा भी लेता हूँ थोड़ा, क्योंकि खाने के लिए भी मैं आया हूँ। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि वेज में बस इतने ही सारे ऑप्शन है लाइव ग्रिल के लिए। तो इससे पहले मैंने जितने बार भी बारबेक्यू नेशन पे वीडियो बनाया हुआ है मेरा स्टार्टर से ही पेट भर जाता है, बट इस बार मैंने काफी लिमिट में खाया है स्टार्टर्स। अब मैं इनके मेन कोर्स को ट्राई करने जा रहा हूँ क्योंकि स्टार्टर्स आज के लिए बहुत है। तो यहाँ मेरा स्टार्टर्स हो गया कम्प्लीट, तब मैं अपने इस फ्लैग को डाउन कर दूंगा। लाइव काउंटर में आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेगा, एक पाव भाजी और दूसरा मटन कीमा पाव, और यहाँ पे कुल्फी के सारे ऑप्शन हैं जो कि मैंने काफ़ी बार ही दिखाए हुए हैं। तो मैं यहाँ पे एक पाव भाजी बनवाता हूँ और एक मटन कीमा पाव बनवाता हूँ। तो बारबेक्यू नेशन का जो लाइव काउंटर है यही थोड़ा मुझे फीका फीका लगता है, और मैंने वैसे देखा है बारबेक्यू नेशन में कम से कम दो या तीन लाइव काउंटर तो होता ही है, लेकिन यहाँ इस वाले आउटलेट में मतलब बस एक ही लाइव काउंटर था जिसमें बस कुल्फी का एक ऑप्शन है एंड दूसरा बस वही पाव भाजी एंड मटन कीमा पाव। तो लाइव काउंटर के मामले में मुझे एब्सोल्यूट बारबेक्यू बहुत ही अच्छा लगता है। फिलहाल तो एक ही चीज़ है पाव भाजी, तो इसी को टेस्ट करके काम चला, और आप लोगों को ही बताता हूँ कि बारबेक्यू नेशन का पाव भाजी मुझे कैसा लगा। सबसे पहले इसके भाजी को टेस्ट करता हूँ। भाजी का टेस्ट मुझे वाकई में काफ़ी अच्छा लगा, इसके अंदर जो टोमेटो एंड पनीर का जो टेस्ट आ रहा है ना वो क्लियरली विजिबल है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो इस पाव के साथ जब मैं इस भाजी को खा रहा हूँ तो फ्लेवर काफ़ी कम हो जा रहा है, तो थोड़ा और चटपटा होता ना तो मज़ा आता, अदरवाइज ठीक ठाक है। अब दिखाते हैं कि मेन कोर्स में क्या क्या है, और यहाँ पे मेरे सब्सक्राइबर कुछ मिल गए, क्या नाम है आपका? ऋषभ।
ऋषभ और आप शुभजीत, तो आप लोग से मिलकर काफ़ी अच्छा लगा, आप लोग इन्जॉय करो। और भाई ने बताया कि वीडियो देख कर ही आए, तो क्या नॉनवेज वाला आपने वीडियो देखा था? अच्छा अच्छा, ठीक, अच्छा लगा। यहाँ नहीं आना, नहीं आ जाएगा, दो महीने में आ जाएगा यहाँ पे। एब्सोल्यूट बारबेक्यू आप सुन रहे हो ना, ये बात, चलो मिलते हैं, मैं भी अपना मील इंजॉय करता हूँ, आप लोग भी करो, चलो भाई। ओ भाई साहब, सबसे पहले तो ये वेज सलाद आइटम सबको देख लो, यहाँ पे प्याज, मूली, गाजर एंड यहाँ ये रशियन सलाद है, ये भी पता नहीं कौन सा सलाद है, नाम दिया हुआ नहीं है, तो ये भी कुछ इस टाइप का ही लग रहा है, रशियन सलाद टाइप ही लग रहा है। और ये फ्रूट सलाद और ये बीन सलाद एंड सलाद में यहाँ पे एक पास्ता सलाद भी है और नीचे चिकन है, तो ये मैं कवर नहीं करने वाला हूँ आज। बाकी देख लो, वेज में इतने सारे सलाद के ऑप्शन है यहाँ पे, तो मैं दिखाता हूँ कि वेज सेक्शन में मेन कोर्स में क्या क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टीम राइस एंड येलो दाल तड़का, उसके बाद ये पनीर टिक्का मसाला एंड कोफ्ता करी, और उसके बाद ये कश्मीरी आलू दम एंड साथ में सब्जी मिलोनी, और यहाँ कॉर्न स्पिनच ऑग्रेटीन एंड चिली गार्लिक नूडल्स, और ये वेज दम बिरयानी। यहाँ पे सूप में है रोस्टेड पम्पकिन एंड रोजमेरी सूप, रायता पापड़, एंड डेजर्ट में भी काफ़ी सारे ऑप्शन है वेज में। सबसे पहले यहाँ पे जामुन पैनाकोटा और साथ में ये बेक मोन चीज़ केक, ये तो नॉन वेज है। और यहाँ पे वेज में है मैंगो एंड सागो पुडिंग, केसरी फिरनी है और साथ में ये फ्रेश कट फ्रूट, एंड यहाँ पे भी कुछ डेजर्ट्स है लाइक मिर्च का हलवा और साथ में अंगूरी गुलाब जामुन। मिर्च का हलवा पहली बार मैं नाम सुन रहा हूँ, अंगूरी गुलाब जामुन, एंड लास्टली यहाँ पे ये आइसक्रीम। एक आ गया मैं अपना वेज मेन कोर्स, और मैंने इससे पहले कहा था कि मैं अभी यहाँ का नूडल्स वगैरह कभी ट्राई नहीं करूँगा, लेकिन ये नूडल्स देखकर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने ले लिया। और यहाँ पे मैंने एक वेज बिरयानी लिया है और ये पनीर टिक्का, सैलड का ज़्यादा आइटम ले लिया मैंने, ये रशियन सैलड भी ले लिया। वैसे मैंने एक चीज़ नोटिस किया, जितना ऑप्शन नॉन वेज में वेज में भी उतना ही ऑप्शन है, और साथ में मैंने यहाँ पे रायता ले लिया थोड़ा ज़्यादा करके, एंड डेजर्ट के लिए मैंने ये सारे ले लिए, और मेन कोर्स मेरा ये है। अब मैं इन सबको खा के बताता हूँ कि कैसा लगा मुझे बारबेक्यू नेशन का वेज मेन कोर्स। तो सबसे पहले मैं इस वेज बिरयानी को करता हूँ टेस्ट। ये जो वेज बिरयानी, इसका चावल शायद थोड़ा कच्चा है तो अच्छा नहीं लग रहा उतना। देखता हूँ ये पनीर टिक्का कैसा है। पनीर टिक्का वाकई में काफ़ी अच्छा है, मतलब एक चीज़ मैंने देखा बारबेक्यू नेशन का पनीर का जितना भी आइटम है सब कुछ फ्रेश है। तो देखता हूँ ये नूडल्स कैसा है। मैंने कहा ना, ये नूडल्स देखकर भी अच्छा लग रहा था और वाकई में इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है। यार यहाँ के मैनेजर वाकई में काफ़ी अच्छे हैं। मैं बोल रहा था राइस जो है ना, मतलब थोड़ा कच्चा रह गया है राइस, और वो पीछे से सुन रहे थे मेरा बात, तो उन्होंने कहा कि आप थोड़ा एक मिनट का टाइम दीजिए, मैं आपके लिए बनवा के लेके आ जाता हूँ। तो बारबेक्यू नेशन का आप एक चीज़ जान लो, अगर आपको कोई भी चीज़ में कुछ भी खामी लगता है ना, आप उनको बोलो, आपके लिए वो अलग से बना के लेके आ जाएंगे। तो ये मेरे को काफ़ी अच्छा बात लगा बारबेक्यू नेशन का। देखता हूँ ये पास्ता सलाद कैसा है। बढ़िया, अब टाइम है टेस्ट करने का इस रायता को। रायता इनका काफ़ी बढ़िया है। अब देखता हूँ इनका डेजर्ट सब कैसा है। और वैसे बता दूँ, सब कुछ मैंने वेज ही उठाया है। वेनिला तो मेरा वैसे भी फेवरेट है, अगर ये 19-20 भी रहता ना फिर भी मैं इसको ख़राब नहीं बोलता, ठीक है वैसे ये। ऐसे काफ़ी फीका लग रहा है। ऐसे प्लेन खाने में तो ये काफ़ी फीका है, इसको मैं अंगूरी गुलाब जामुन के साथ मिक्स करके खा रहा हूँ तब ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड अब देखता हूँ ये मिर्च हलवा क्या है। ये वाकई तीखा है यार, बारबेक्यू नेशन का ये मिर्च हलवा वाकई में काफ़ी तीखा है, तो इसको ट्राई करने से पहले सोच समझ के ट्राई करना, सच में बहुत तीखा है। तो इनके मैनेजर ने ये देखो यहाँ से अलग से मुझे दिया है और कहा है कि इसे सर एक बार टेस्ट करके देखो, तो ये काफ़ी अच्छा जेस्चर लगा मुझे। ये
एंड जहाँ तक मैं बारबेक्यू नेशन के मेन कोर्स की बात करूँ तो ये मुझे पिछले बार से थोड़ा बेटर लगा। होप कि फ्यूचर में और भी अपग्रेड करते रहो और मेन कोर्स इनका स्टार्टर्स की तरह ही कमाल का हो जाए। बस यही था मेरा। तब इन सबको मैं कंप्लीट करने के बाद अपने लिए कुल्फी भी लेके आऊँगा और वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो ये मैं लेके आ गया अपना कुल्फी और मैंने ये मैंगो फ्लेवर लिया है। बाय द वे, हमेशा की तरह टू गुड। बारबेक्यू नेशन कुल्फी के मामले में वाकई में काफ़ी अच्छे हैं। तो मेरे स्टार्टर्स, मेन कोर्स, डेजर्ट सब कुछ हो गया है कंप्लीट। होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो और बाकी का बात मैं बाहर निकल के करता हूँ और आपका बाकी का जो एक दो डाउट है उसको भी क्लियर करता हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना, मैं बाहर कैब लेके वापस से इस वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। तो ये आ गया हम लोगों का बिल और यहाँ पे आप देख सकते हो लंच वेज एंड नॉन वेज का 649 एंड दोनों का राउंड टोटल हो गया है 1363। तो बाकी इसमें देख लो GST 2.5 वगैरह सब कुछ लगा हुआ है, तो वैसे मेरा टोटल हुआ है 1363। तो मैं निकल गया हूँ बारबेक्यू नेशन से। अब मैं फटाफट यहाँ से बाहर जाके कैब लेता हूँ। ऑलराइट, तो मैं बारबेक्यू नेशन से निकल के कैब ले लिया हूँ घर के लिए। तो आप में से काफी लोगों का ये भी कमेंट रहता है कि मोहित, अगर हम बारबेक्यू नेशन में अपना सीट रिजर्व करते हैं तो अंदर हम लोग कितने देर बैठ सकते हैं। तो ये बात मैंने अंदर मैनेजर से भी पूछा, उन्होंने मुझे बताया मान लो अगर आपका बुकिंग 12 बजे का है और जो दूसरे का बुकिंग है वो 1:30 बजे का है, तो अगर 1:30 बजे तक बुकिंग रहेगा तो थोड़ा रश रहता है, वो लोग बोलेंगे कि आप थोड़ा हट जाइए क्योंकि अब दूसरा लोग भी आने वाला है। इनकेस अगर किसी का बुकिंग नहीं है तो आप अंदर में आराम से बैठ सकते हो। सिंपली बोलूं तो ऐसा कोई टाइम का लिमिट नहीं है। आप अगर 12 बजे गए, अगर 1:30 बजे तक कोई आ गया तब आपको हटना पड़ेगा अगर रश है तो, नहीं तो वो लोग कहीं और एडजस्ट करवा देते हैं। अगर कोई नहीं आता है तो आराम से बैठ सकते हो, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। तो होप कि आप लोगों का ये डाउट भी क्लियर हो गया हो। और बाकी तो मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया। वैसे मैं बता दूं, जो मैंने चार्जेस पे करा एक आदमी पे 649 रुपीस और जो मैंने खाया सब कुछ फ्री है, किसी के लिए मैंने एक्स्ट्रा चार्ज नहीं दिया। एंड रहा बात ड्रिंक का, अगर आप अलग से मोजीतो वगैरह लेते हो तो उन सबका अलग चार्ज है, लेकिन अगर आप बारबेक्यू नेशन वेडनेसडे संडे के बीच में जाते हो तो आपको वही एक ड्रिंक कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा। होप कि आप लोगों के सारे डाउट्स को मैंने क्लियर कर दिया हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और आप लोग ये भी कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को एब्सोल्यूट बारबेक्यू पे पूरा वेज पे एक वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए। तो बस अब मैं जाता हूँ घर, थोड़ा रेस्ट भी करूंगा, फिर ये सारे वीडियो को एडिट भी करना है। फाइनली मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।